अब आप भी बनेंगे बादशाह, क्योंकि बादशाह वाला शाही नाश्ता आ चुका है आप सबके लिए। शाही कीमा, मुगलाई चिकन, ब्रेन मसाला, मटन पाए, शाही हलवा पूरी के साथ साथ फैता ऑमलेट, स्क्रम्बल्ड एग, फ्रेंच टोस्ट, पैनकेक्स, बीकन्स और भी ढेरों देसी और इंग्लिश नाश्ते से सच चुका है शाही दावत का ये शाही दस्तखान, वो भी मेलमा पर, जिसका जायका अब हर एक के दिल में रहता है। तो फिर मेलमा के रॉयल सिटिंग एरिया में रॉयल ब्रेकफास्ट ने आपको किंग फील ना करवाया तो कहना। तो फिर बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आगे वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो आपने इतना आलिशान किस्म का ब्रेकफास्ट देखा है ना, ये आपको मिल रहा है मेरे पीछे, आप रेस्टोरेंट देख सकते हैं मेलमा रेस्टोरेंट, यहीं पर आपको ये इतने आउटक्लास और बेहतरीन किस्म के आइटम मिल रहे हैं जो कि इससे पहले कहीं नहीं मिलते थे, और साथ ही साथ इसके प्राइस भी रीजनेबल है। तो चले अंदर चलते हैं और आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन सा आइटम ब्रेकफास्ट मिलता है मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी डिटेल बता दूं, मेलमा रेस्टोरेंट जो कि हमेशा से जैम पैक रहता है और यहाँ पे पब्लिक का बहुत रश होता है इनके फूड के ऊपर, चाहे वो डिनर करने के लिए आते हो इधर, लेकिन पब्लिक की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई आप अपने इस रेस्टोरेंट पे जिस तरह से आपके डिनर के आइटम बहुत ही लाजवाब और ट्रेडिशनल किस्म के हैं, तो ऐसा भी ब्रेकफास्ट लेकर आए जो कि पब्लिक बहुत ज़्यादा उसको पसंद करे। तो मेलमा रेस्टोरेंट ने लोगों की फरमाइश सुन ली है और यहाँ पर ओपन हो चुका है एक बहुत ही आलिशान किस्म का ब्रेकफास्ट। तो चले ऐसा करते हैं, अंदर चलते हैं और आपको दीगर मालूमात बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेलमा रेस्टोरेंट में जो इनका ग्राउंड फ्लोर है जिसका नाम है कैरो ग्राउंड फ्लोर, उस पर आपको ये ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो चले ऐसा करते हैं, अपनी टेबल पे बैठते हैं और ब्रेकफास्ट में हमें कौन कौन सा आइटम मिलता है वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हमारा मेन्यू कार्ड आ चुका है, मैं आपको बताऊं कि मेलमा में जो ब्रेकफास्ट के आइटम है कौन कौन से मौजूद है, जिसमें आपको दो किस्म के ब्रेकफास्ट मिलेंगे, जिसमें पाकिस्तानी भी है जो कि देसी स्टाइल का होता है, और उसके अलावा इंग्लिश आइटम भी आपको मिल जाएंगे। तो पाकिस्तानी में हमें जो मिलता है वो है स्पाइसी बीफ कीमा मिलेगा, चिकन मसाला मिलेगा, मटन ब्रेन मसाला मिलेगा, दाल मखनी है, आलू चने हैं, उसके अलावा पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट की प्लेटर भी मिलती है जिसमें आपको यही सब जो आइटम है वो अलग अलग क्वान्टिटीज़ में मिल जाते हैं। तो उसके अलावा जो हमारा इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, मैं आपको उसकी डिटेल भी बता दूँ, उसमें हमें मिलता है, उसमें सैंडविचेस मिल जाते हैं, अलग अलग किस्म के ऑमलेट्स हैं जिसमें फजीता ऑमलेट है, स्क्रम्बल एग है, पाकिस्तानी ऑमलेट है, साथ में कैरेमल चॉकलेट पैनकेक यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके अलावा वफल्स भी मौजूद हैं, साथ में ड्रिंक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जिसमें लस्सी और दीगर मिल्क शेक्स वगैरह और नान पराठे वगैरह सब हैं। तो भाई ऐसा करते हैं कि हम अपने लिए स्पेशल से ब्रेकफास्ट का ऑर्डर देते हैं और आपको उसको टेस्ट करके बताऊँगा कि मुझे जायके में कैसा लगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा मेलमा रेस्टोरेंट का जो ग्रैंड बहुत ही ज़बरदस्त आलिशान किस्म का ब्रेकफास्ट है उसके सारे आइटम आ चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हमें इसमें पाकिस्तानी ट्रेडिशनल आइटम जो होते हैं वो मिल सकते हैं, साथ में जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट है वो भी मिल सकते हैं। हमने जो यहाँ पे ऑर्डर दिया है, मैंने इनका जो एक फहीता ऑमलेट है मैंने उसका ऑर्डर दिया, पैनकेक्स यहाँ पे मौजूद है, उसके अलावा फ्रेंच टोस्ट है, साथ में एक सैंडविच मौजूद है, उसके जो देसी आइटम है वो मैं आपको बताऊँ, मैंने पाए मंगवाए हैं, कीमा मौजूद है, उसके अलावा हलवा पूरी चने सब यहाँ पे मौजूद है, डिजर्ट्स में भी आपको मतलब केक मिल जाएंगे और ड्रिंक्स यहाँ पे आपको अलग अलग किस्म के मिल जाते हैं, लेकिन मैंने जो ली है इनकी एक स्पेशल सी लस्सी है वो ली है। तो आप देख सकते हैं इनकी प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी है, जैसे कि मेलमा रेस्टोरेंट का एक नाम है, अब जब आप रेस्टोरेंट में आते हैं आपको एम्बियंस बहुत अच्छा मिलता है, उस तरह से खूबसूरती के साथ बना हुआ इनका ब्रेकफास्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ऐसा करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताऊंगा मुझे इसका टेस्ट कैसा लगा। फहीता ऑमलेट हम टेस्ट करेंगे सबसे पहले, काफ़ी यम्मी लग रहा है दिखने में, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। सुपर। अच्छा, अब मैं टेस्ट करूंगा जो इनके पाकिस्तानी आइटम है उनको, और देखते हैं ये पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट भी हमें जायके में कैसा लगता है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथ में जो हमें मिलता है हलवा पूरी मिलती है, साथ में चने मिलते हैं, और उसके अलावा अगर आप मंगवाना चाहें तो आप पूरी पराठा मंगवा सकते हैं, नान इनके अलग अलग टाइप के मिल जाते हैं जो कि ट्रेडिशनल भी होते हैं और नॉर्मल राउंड शेप के भी। तो इमेज से टेस्ट करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ।
अभी जो मैंने कीमा टेस्ट कराया उसका टेस्ट बाकी में लाजवाब है। मैंने जब इसकी पहली बाइट लिया मुझे इसके फ्लेवर बहुत अच्छे हैं, जितने भी इसमें स्पाइसेस ऐड करें वो बहुत अच्छे हैं, और एक हल्का सा जो एक स्मोकी फ्लेवर आता है जो एक बारबेक्यू वाला कीमा होता है वो मुझे इसमें से आया। इसके अलावा पाई बहुत ज़बरदस्त है, पैनकेक मैंने टेस्ट करा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे बेस्ट जो मुझे लगी वो यहाँ की मुझे लस्सी लगी। मेलमा जैसा कि एक रेस्टोरेंट है जिनकी हाई क्वालिटी है, तो आपको फूड में भी और इनके ब्रेकफास्ट में भी वही हाई क्वालिटी मिलेगी, तो यहाँ पे आके इसको लाजमी टेस्ट करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फूड को एंजॉय कर सकें। तो मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी मज़ा कर सकें व्लॉग लेकर आता रहूँ। तो आज के व्लॉग को देरी एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग पर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।